रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, एक रिजल्ट याद करना है आपने। क्या रिजल्ट है? अगर मान लो एक वेव है, जैसे एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और आपने इस रस्सी को बांध के रख दिया टाइट, जैसे गिटार की स्ट्रिंग है टाइट है बिल्कुल एक कॉर्नर से, और एक वेव पल्स आपने जनरेट कर दी, क्रेस्ट, क्रेस्ट आया, ये टकराएगा इसे, तो याद रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रस वापस आएगा। कब? जब ये एंड बिल्कुल फिक्स्ड होगा, मूवेबल नहीं होगा, तो क्रेस्ट आएगा, ट्रफ आएगा। इसको बोलते हैं फेज चेंज ऑफ पाई। पाई का मतलब क्रेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रफ में, फेज चेंज ऑफ पाई। ठीक हो गया यहां तक? लेकिन अगर ये एंड फिक्स्ड है, फिक्स नहीं है, मूवेबल है, जैसे एक रिंग है, तो क्रेस्ट आएगा वापस, क्रेस्ट ही जाएगा, ट्रफ नहीं जाएगा, क्रेस्ट जाएगा। कैसे? इमेजिन करो जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, रिंग मेरा हाथ है, आपने रस्सी बांध दी, सोचो क्रेस्ट मेरे हाथ को टच करता है, तो मैं क्या करूंगा? अपने हाथ को ऊपर और नीचे ऐसी करूंगा, फिर देखो ऊपर और नीचे, फिर देखो ऊपर और नीचे, उल्टी वेव जनरेट हो जाएगी, मूवेबल है ना, तो बिल्कुल एक्शन रिएक्शन से उल्टा जनरेट हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर फिक्स्ड एंड है तो क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, और अगर मूवेबल एंड है तो क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक, इस रिजल्ट को याद रखना।